हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरानी अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर तीनों चीज़ें हिंदी भाषा में पढ़ा रहा हूँ। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैथ्स पढ़ना हो आपको या रीजनिंग या करंट अफेयर आप हमारे चैनल में पढ़ सकते हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा था मेंसुरेशन का, क्षेत्रमिति, ठीक है। आज पार्ट फोर देख रहे हैं। इससे पहले मैंने पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री देखा है। तो पार्ट वन में हमने देखा था फार्मूला था जो मेंसुरेशन का, और पार्ट टू में भी हमने क्षेत्रमिति के फार्मूला देखे हैं, और पार्ट थ्री में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। पार्ट थ्री में हमने वृत्त और बैलेंस से संबंधित क्वेश्चन किए थे, और आज अब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो पार्ट फोर चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का दुगुना है। यदि पहले शंकु का की तिर्यक ऊंचाई दूसरे शंकु की तिर्यक ऊंचाई का दुगुना है तो त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये शंकु दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक आर वन है, और ये जो है हमारा तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है, ये हो जाएगा एल वन। फिर यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा छोट जो शंकु दूसरा आर टू हो जाएगा ये, और इसका त्रिज्या कुछ है ये, ठीक, तो ये हो जाएगा एल टू। और हम यहाँ पे बोला क्या है, एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का दोगुना है। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्र का फार्मूला पाई आर एल होता है। फिर यहाँ दूसरा कंडीशन दिया है, यदि पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई दूसरे शंकु की तिर्यक ऊंचाई से दोगुना है, मतलब एक का तिर्यक ऊंचाई L1 बराबर कितना हो जाएगा 2L2, ठीक है, L1 बराबर 2L2। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला का अनुपात में ले लेंगे। जैसे पाई आर वन एल वन इज इक्वल टू टू है, ठीक है, क्योंकि पहले से दोगुना है, और पाई आर टू एल टू इज इक्वल टू वन हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये जो है इससे दोगुना है तो ये इक्वल में रहेगा। फिर एल वन क्या है, एल टू से डबल है, तो एल वन जो रहेगा वन लेंगे, ठीक है, और एल टू रहेगा उसको हम टू लेंगे यहाँ पे। अब इसको यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है, टू टू यहाँ से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर वन आर टू बटे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आर वन आर टू बटे फोर बाई वन, जो कि हमारा क्या निकल गया आंसर, ठीक है, जो हमारे त्रिज्याओं का अनुपात था फोर बाई वन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, शंकु के वक्र वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी ऊंचाई और आधार की त्रिज्या क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। वक्र पृष्ठ बोले या पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों ही एक ही चीज है, ठीक है, यहां से त्रिज्या दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसने क्या दिया है, ऊंचाई दिया, हाइट दिया है, ये वाली हाइट जो कितना दिया है यहां से यहां तक के 4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने पढ़ा पाई आर एल, तो L निकालना है तो सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा L, ये वाली, ठीक, ये होता है हमारा L। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सर ऊंचाई दिया है 4 सेंटीमीटर और त्रिज्या दिया है 3 सेंटीमीटर, तब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होगा, ऊंचाई का स्क्वायर प्लस त्रिज्या के स्क्वायर अंडर रूट में। तो ऊंचाई कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर और त्रिज्या 3, 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 25, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा L, L बराबर 5 सेंटीमीटर। तो पाई आर एल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल। तो इस फार्मूला में हम वैल्यू पुट कर देंगे, पाई आर कितना है 3 L 5, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये समझ में आया होगा आपको, बहुत ही सरल था। तीसरा प्रश्न देखते हैं, तांबे के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है,
गोले को पिघलाया जाता है और एक समान रिक्ति पृष्ठ वाले लंबे तार के रूप में परिवर्तित किया गया है। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो है जो तांबे का गोल, ठीक है, सेफ है जिसको पिघलाया गया है, ठीक है, गोल सेफ है जो पिघलाया गया है और इसको बना दिया गया है इस तरह तार। तो ये दिया इसका हाइट हमें h, h कितना दिया हमें 36 सेंटीमीटर। तो ये जो है होता है जो तार होता है हमेशा बेलन होता है, याद रखना बेलन का फॉर्मूला तार में यूज होता है क्योंकि बेलन की शेप में होता है। तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि इसका आयतन क्या होता है। तो इसका आयतन क्या है, सबसे पहले गोले का आयतन और लंबे तार का आयतन। तो हमने जान लिया कि जो लंबा तार है वो बेलन के शेप में होता है, तो हम यहाँ पे बेलन का आयतन ले लेंगे और यहाँ पे गोले का आयतन। तो हमें पाई बाई थ्री पाई आर क्यूब, ये होता है गोले का आयतन, और पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है बेलन का आयतन, ठीक है। तो आर को हम आर वन ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखो हमें गोले का व्यास दिया हुआ है। तो जब व्यास दिया है तो इसका त्रिज्या क्या होगी, जब व्यास 6 सेंटीमीटर है त्रिज्या क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो आगे हम देखते हैं क्या करेंगे, 4 बाई थ्री जो पाई है, ये पाई है, ये दोनों पाई कट जाएंगे यहाँ से, आर की जगह 3 रख देंगे, और यहाँ देखो एच की जगह 36, आर वन का स्क्वायर हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक 3 कट जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा, तो ये आ जाएगा 9 और आर वन स्क्वायर इंटू 36, तो यहाँ से निकल जाएगा आर वन निकल जाएगा इतना 1 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, चौथा प्रश्न। एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप 144 मीटर हो तो उसका व्यास क्या होगा, ठीक है। ये यहाँ से आर हो जाएगा, ये आर और ये आर, अर्धवृत्ताकार बोल रहे हैं उसका परिमाप कितना दिया है 144 मीटर। तो हमें पता है जो अर्धवृत्त होता है उसका परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आर पाई प्लस टू, ठीक है, ब्रैकेट में। तो यदि त्रिज्या कितना है हमें आर मीटर, हम आर मान गए हैं इसको और इसका परिमाप दिया 144 मीटर, तो होता है क्या होता है परिमाप का फॉर्मूला आर ब्रैकेट में पाई प्लस टू, या तो पाई आर प्लस टू आर। तो 144 मीटर हमें दिया हुआ है, अब हमें निकालना क्या है, उसका व्यास निकालना है, मतलब यहाँ से पूरे यहाँ तक की दूरी निकालना है। तो हमने क्या किया, पाई प्लस टू को नीचे डाल दिया, तो 144 बटे पाई प्लस टू हो जाएगा, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, तो 7 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 7 ऊपर चले जाएगा, जब इससे मल्टीप्लाई होगा 7 में 14 हो जाएगा और ये 22 प्लस 36 हो जाएगा, ठीक है। तो 36 क्या है, 4 बार में इसको डिवाइड कर देगा और यहाँ से 7 चौक 28 मीटर आ जाएगा। तो हमें आर निकल गया 28 मीटर, तो इसका व्यास क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा, ठीक है, तो 28 × 56 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 56 मीटर। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पांचवा प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वापम और एसएससी बार बार रिपीट करता है, बार बार इस क्वेश्चन को पूछता है, इस तरह के क्वेश्चन व्यापम और एसएससी में बहुत ही आते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप इस तरह क्वेश्चन को ओरल ही सॉल्व हो जाएगा आपसे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें दिया है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोली को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी छोटी गोलियाँ बनाई जा सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंपल से है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़े गोले का आयतन निकालेंगे और दूसरा छोटे गोले का आयतन। बड़े गोले का आयतन क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, और छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब 1। तो आर 1 ले लेंगे हम इसको, हमें त्रिज्या कितनी दी गई है, दोनों गोला है तो सेम फार्मूला रहेगा, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है बड़े गोले की, जो मूल गोला है उसका 8 सेंटीमीटर और जो छोटे गोला है उसका 2 सेंटीमीटर। तो सिंपल से कुछ नहीं करना इसमें,
जो बड़ा गोला है उसे छोटे गोले के आयतन से डिवाइड कर देना है। तो हम इसको सिंपल से फॉर्मूला पुट करके डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4/3 / 888, क्योंकि आर का क्यूब है। फिर यहाँ हो जाएगा 4/3 / 222, तो इसको हम जैसे ही डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 64। तो गोलियों की संख्या कितनी हो जाएगी 64। यहाँ 4/3 कट जाएगा 4/3 से, पाई पाई से कट जाएगा, 2 से 4 बार में चले जाएगा ये 8, ये भी 4 बार में चले जाएगा और ये भी 4 बार में चले जाएगा। तो 4 × 16, 16 × 64, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस पार्ट में हम 5 क्वेश्चन किए, पिछले पार्ट में भी 5 क्वेश्चन किए थे, नेक्स्ट पार्ट में और भी क्वेश्चन देखेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप जरूर देख लेना अगर नहीं देखे हो तो, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रमिति से जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और नए स्टूडेंट अगर इस चैनल में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग, करेंट अफेयर आपको इसी चैनल से मिल जाएंगे।